आपके साथ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नीति आयोग की बैठक बीच में छोड़कर चली गई। बाहर आकर उन्होंने आरोप लगाया कि बैठक में उन्हें बोलने नहीं दिया गया, उनका माइक बंद कर दिया। ममता ने कहा, मैंने पूछा कि मुझे बोलने से क्यों रोका, यह भेदभाव क्यों कर रहे हैं। विपक्ष से केवल मैं ही हूं, यह न केवल बंगाल का अपमान है बल्कि सभी क्षेत्रीय दलों का अपमान भी है। दरअसल नीति आयोग की नवी गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता पीएम मोदी कर रहे हैं, जिसमें विपक्षी दलों के शासन वाले राज्यों से केवल सीएम ममता ही शामिल हुई थी। उनके अलावा असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा, राजस्थान सीएम भजन लाल शर्मा, मध्य प्रदेश सीएम मोहन यादव, आंध्र प्रदेश सीएम चंद्रबाबू नायडू और गोवा सीएम प्रमोद सावंत भी पहुंचे हैं। इंडिया ब्लॉक की पार्टी वाले 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बैठक में आने से पहले इनकार कर दिया था। इनमें तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, केरल और झारखंड सीएम शामिल हैं। वहीं एनडीए के प्रमुख सहयोगी जेडीयू के नीतीश कुमार भी बैठक में शामिल नहीं हुए। उनकी जगह डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और चीफ सेक्रेटरी ब्रजेश मेहरोत्रा मीटिंग में पहुंचे। ममता बनर्जी ने बैठक से एक दिन पहले कहा था कि नीति आयोग खत्म करके योजना आयोग को वापस लाओ। योजना आयोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आइडिया था। उन्होंने आगे कहा, यह सरकार आपसी लड़ाई में गिर जाएगी, इंतजार कीजिए। इस दौरे में मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए किसी नेता से मेरी मुलाकात नहीं हो रही। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में विकसित भारत @2047 को लेकर चर्चा की जाएगी। भारत को विकसित बनाने के लिए राज्यों की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। नीति आयोग का कहना है कि देश $5 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। भारत 2047 तक $30 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को हासिल करेगा। इसी के साथ बने रहिए एशियन न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।